goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, लालू जी अब रिम्स में शिफ्ट कर गए हैं, अभी की ताजा खबर यही है। और क्यों शिफ्ट हुए यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जान रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बताऊं कि सुशील मोदी ने लालू के कमजोर गेंद को छक्का मारते हुए उनका जो वीडियो वायरल किया, जो ऑडियो वायरल किया, उसके कारण वो राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ और राजनीतिक बवाल के बाद यह सब कुछ हुआ है। हेलो जी, प्रणाम सर, साहब बात कर रहे हैं जी। हाँ पासवान जी, बधाई जी। प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे जी। अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो। हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ अब बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। अब एक चीज मैं यहाँ आपसे जो चर्चा करना चाहता हूँ वो यह कि ललन पासवान के बाद दो नाम और भी आए हैं सामने, जिनका कहना यह है कि हमें भी लालू प्रसाद यादव ने फोन किया था कि हमारे साथ मिल जाइए, लेकिन हमने उन्हें इनकार कर दिया। ये दोनों राजनीतिक खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और धुरंधर हैं। ललन पासवान तो अभी नया आदमी था, पहली बार विधायक बना था और लालू ने उसको कहा कोई बात नहीं है, उन्होंने लेकिन उसको साहस करके सामने आए। लेकिन राजनीति के धुरंधर अपने पार्टी के सुप्रीमो, मैं बात कर रहा हूँ जीतन राम मांझी की, जो कि पिछले कई सालों से विधानसभा के सदस्य रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी उनको इसी आधार पे प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया, उनका कहना है कि लालू जी ने हमसे कई बार संपर्क करने का प्रयास किया और मुझे अपने साथ आने का न्योता भेजा, लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा तब नहीं किया है। दूसरा आदमी है मुकेश सहनी, ये भी अपने पार्टी के वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, अभी बिना विधानसभा के सदस्य माने चुनाव हारने के बाद भी सरकार के महिमा से मंत्री बने हुए हैं, इनका भी कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने मुझे अध्यक्ष पे ये कहा कि आप मेरे साथ आ जाइए, मैं मंत्री बना दूंगा। तो क्या अभी तक सोए हुए थे ये दोनों कोई राजनीति के इतने बड़े धुरंधर, जो कि राजनीति का हर पल और सत्ता का हर गुना भाग को सीखने और बिगाड़ने की स्थिति में है। अभी खासकर बिहार सरकार की स्थिति को, मतलब सरकार किसकी बनेगी उसमें इन दोनों पार्टी के सदस्यों का अहम भूमिका होगा, वो उन दोनों की स्थिति को बनाने और बिगाड़ने वाला व्यक्ति अब तक चुप क्यों था। मेरा सवाल यह नहीं है, मेरा यह कभी नहीं कतई नहीं है कि लालू प्रसाद ने अगर फोन किया वो गलत है या सही, इसका फैसला कोर्ट करेगी और इस मामले में हम उसकी सत्यता की पुष्टि भी नहीं करते, लेकिन क्या लालू प्रसाद ने फोन किया तो जेल से कोई व्यक्ति फोन करता है और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर चुप है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह कहीं ना कहीं उस राजनीतिक षड्यंत्र में के हिस्सा ये भी हैं, क्या इनके ऊपर FIR नहीं होना चाहिए, क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, लालू प्रसाद ने अगर ऐसा किया है तो कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग अब यह दावा कर रहे हैं कि मुझे भी फोन किया गया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने क्यों नहीं संवैधानिक पद पर रहते हुए थाना में या संबंधित व्यक्ति को बताया कि हमको जेल से फोन आ रहा है। लालू प्रसाद का फोन मतलब जेल से फोन, एक अगर पटना बेऊर जेल से कोई साधारण सा अपराधी जो छोटे मोटे मामले में वहां सजा काट रहा है अगर फोन करता है तो हरकंप मच जाता है, पुलिस उसके पूरे परिवार को उठा कर ले जाकर हाजत में बंद कर देती है। क्या जीतन राम मांझी के और मुकेश सहनी के साथ ऐसी सरकार करेगी, पुलिस ऐसी करेगी? कतई नहीं करेगी। और तो और लालू प्रसाद यादव को अभी तत्काल शिफ्ट किया गया है, भाजपा की ओर से लगातार उन्हें तिहाड़ शिफ्ट करने की बात की जा रही है, मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं उन्हें वाशिंगटन जेल में भेज दिया जाए, लेकिन उसका मतलब यह तो नहीं है कि राजनीति में जो करप्शन है वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह से लालू के कमजोर गेंद पर सुशील मोदी ने छक्का मारकर राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है, वह भूचाल कब शांत होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव को रिम्स में शिफ्ट किया गया है और एक नई एक बहस छिड़ गई है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को लेकर।
तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के ऊपर क्या हो, किस प्रकार क्या ये लोग दोषी हैं, इसका इसकी जानकारी तो वही दे पाएंगे जो संविधान के ज्ञाता हैं। लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को अगर फोन आया था जेल से, इन्होंने अगर ये बात को छुपाने का काम किया तो इनके ऊपर भी क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। संविधान के जो ज्ञाता हैं, जो श्रोता हमारे, वो मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि उनके ऊपर क्या हो सकता है, ताकि ऐसे लोगों को भी जो राजनीतिक षड्यंत्र में शामिल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि लालू प्रसाद ने अगर फोन किया है तो उनके ऊपर यह कार्रवाई होनी चाहिए, या लालू प्रसाद सरीखे कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। और मैं फिर बता रहा हूं कि आप हमसे ज्यादा जानकारी आपके पास रहती है, प्लीज आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताएं अपने आसपास की सूचना। मैं उन खबरों को पुष्टि कर उसे आप तक दिखाने का काम करूंगा। मैंने आपको पहले बताया है कि मैं अब गुड मॉर्निंग न्यूज़ के साथ साथ राजनीति पेज पे भी आ रहा हूं। आपका समर्थन जिस प्रकार से गुड मॉर्निंग न्यूज़ में मिला है, मुझे वहां भी मिलेगा, यह मेरा उम्मीद है। नमस्कार। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।